क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सेथ रॉलिंस ने अपना WWE में रिटर्न से 72 दिनों में ही कर लिया है। उन्होंने WWE से ब्रेक रेसलमेनिया के बाद लिया था। तो भाइयों कैसे हैं आप लोग? आज मेरे पास WWE से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यह सच में एक कोइंसिडेंस है या WWE ने प्लान किया था समझ नहीं आ रहा। रॉयल रंबल 2023 में ब्रे वाइट ने अपना फाइनल मैच रेसल किया था जो कि टेक्सास से लाइव था, और रॉ 2024 द वाइट फैमिली ने अपना डेब्यू किया जो कि टेक्सास से ही लाइव था। आपका इस पर क्या सोचना है आप हमें कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट यह है कि WWE ने मनी इन द बैंक का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया है, जिसमें कि सिर्फ हमें जे उसो फीचर होते हुए दिख रहे हैं। तो क्या यह इशारा तो नहीं है कि जे उसो मनी इन द बैंक में कुछ बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, और मनी नाइट रॉ में भसड़ के बाद हो सकता है कि WWE मनी इन द बैंक में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फैटल 4-वे मैच को शेड्यूल कर दे। Zayn वर्सेस सेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविक काइजर। सच में यार सेथ रॉलिंस के डेडिकेशन को सैल्यूट है। उन्होंने रेसलमेनिया के दोनों नाइट्स को कम्पीट किया था टॉर्न मसल इंजरी के साथ, और उसके बाद उन्होंने WWE से ब्रेक लिया, अपनी सर्जरी करवाई, और अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने अपना रिटर्न 2 महीनों में कर लिया फुल्ली फिट होकर। और आज की लास्ट एंड फाइनल अपडेट यह है कि अंडरटेकर का मानना है कि कोडी रोड्स का इससे भी लंबा रन एज अ हील में ही आएगा, जैसा हमने रोमन के साथ देखा था। अंडरटेकर कहते हैं कोडी रोड्स जो भी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा फिनोमिनल है। वह मानते हैं कि उनका जो अभी बेबी फेस रन चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, पर अंडरटेकर को लगता है कि WWE में उनका बेस्ट रन एज अ हील के तौर पर ही आएगा। आपका इस पर क्या सोचना है आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।